नमस्कार, हेल्दियन किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर जाल फ्रेजी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे रेस्टोरेंट में दो स्टेप में बनाया जाता है, मैं उसी तरह की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। पनीर जाल फ्रेजी बनाने के लिए पनीर को मैंने लंबे टुकड़ों में काट लिया है, उसी तरह से मैंने शिमला मिर्च और प्याज को भी काट लिया है। पनीर जाल फ्रेजी बनाने के लिए एक बनाएंगे प्याज टमाटर का सिंपल सा मसाला। उसके लिए कढ़ाही में डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। जब जीरा भुन जाए तो इसमें बारीक कटे हुए दो प्याज को डालकर सुनहरा होने तक भुनेंगे। प्याज हल्का भुन जाए तो इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे डालकर अच्छे से भुनेंगे। अदरक लहसुन को प्याज के साथ अच्छे से भुनने के बाद इसमें डाल देंगे एक टमाटर बारीक कटा हुआ। टमाटर डालने के बाद इसमें डाल लेंगे सूखे मसाले, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और दो छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और इसमें डाल लेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब इन सारी चीज़ों को डालकर मसाले को अच्छे से भुनना है। प्याज टमाटर का मसाला हमें तब तक भुनना है जब तक इससे तेल अलग न हो जाए। प्याज टमाटर का मसाला आप पहले से भी बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं, और जब भी आपको पनीर जाल फ्रेजी बनाना हो तो इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसे हम एक बर्तन में बाहर निकाल लेंगे। प्याज टमाटर का मसाला बन चुका है। अब बना लेते हैं पनीर जाल फ्रेजी। एक कढ़ाई को गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल, उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जब जीरा भुन जाए तो डालेंगे दो सूखी लाल मिर्च। अब इसमें डाल लेंगे स्लाइस किए हुए अनियन। यहाँ पर मैं दो बड़े आकार के प्याज का उपयोग कर रही हूँ। प्याज को बस ट्रांसलूसन होने तक भुनना है। अब प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें डाल लेंगे लंबे आकार में कटी हुई शिमला मिर्च। आप चाहें तो यहाँ पे बेबी कॉर्न या फिर लाल पीली किसी भी तरह की शिमला मिर्च का उपयोग कर सकते हैं, और डालेंगे दो हरी मिर्च स्लाइस की हुई। अब इसमें डाल लेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डालकर इसे अच्छे से भुनेंगे। यहाँ पे सारी कुकिंग हाई फ्लेम पर ही करनी है। इन सारी चीज़ों को लगभग एक मिनट तक भुनेंगे। अब इसमें डाल लेंगे पहले से बना कर रखा हुआ प्याज टमाटर का मसाला। इसमें मसाले को डालकर ज़्यादा देर भुनने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही पका हुआ है। अब इसमें डाल लेंगे दो बड़ा चम्मच टमाटो केचप। टमाटो केचप डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब पनीर जाल फ्रेजी का मसाला लगभग तैयार है। अब इसमें डालेंगे पहले से लंबे आकार में कटा हुआ पनीर। पनीर को डालकर आप इसे हल्के हाथों से मिक्स करें कि पनीर टूटे ना। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक से दो मिनट के अंदर ही पनीर जाल फ्रेजी बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप घर में रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर जाल फ्रेजी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट में डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसे मिक्स करेंगे, और आपका पनीर जाल फ्रेजी सर्व करने के लिए तैयार है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। अगर आपने पहले कभी पनीर जाल फ्रेजी नहीं बनाया है तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही आसान और खाने में टेस्टी रेसिपी है। अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।